ड्रामा तेरे बिन की अगली दो एक साथ 25 और 26 ऑन एयर हो गई तो रिव्यू हाजिर है। सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने रोमांटिक तर्ज से ड्रामा को बहुत इन कर दिया है वापस। मे मुर्तसिम और मीरब की जो केमिस्ट्री है उसको बहुत अच्छा कैपिटलाइज किया है। मुर्तसिम की जहाँ तक एक्टिंग टॉप ऑफ द लाइन है इस ड्रामे में, उसके साथ अगर दूसरी किसी की एक्टिंग टॉप ऑफ द लाइन है तो वह हया की एक्टिंग है। मेरा फेवरेट कैरेक्टर इस ड्रामे में आई टेल यू हया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा तेरे बिन की अगली दो एक साथ 25 और 26 ऑन एयर हो गई तो रिव्यू हाजिर है। तो जनाब ड्रामे की चलें, क्योंकि ड्रामा मेरे लिए तो बहुत डा डडा डडा और रा के दरमियान में कुछ वक्फे का नाम ड्रामा है, मगर फिर भी इसमें बहुत सी चीज़ें जिनको अप्रिशिएट किया जाने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने रोमांटिक तर्ज से ड्रामा को बहुत इन कर दिया है वापस। ड्रामे ने मे मुर्तसिम और मीरब की जो केमिस्ट्री है उसको बहुत अच्छा कैपिटलाइज किया है, उसको कंस्ट्रक्ट किया और उसको पॉजिटिवली यूज़ किया है कि एक मियां बीवी का रिलेशनशिप जो है वो कैसा होना चाहिए, वो किस तरह डेवलप होना चाहिए, उसकी सेंसिटिविटीज़ हैं, काइंड ऑफ उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, तो किस तरह मियाँ और बीवी दोनों का फ़र्ज़ है कि वो इसमें कंट्रीब्यूट करके एक हेल्दी रिलेशनशिप को जो है स्ट्रेंथन करें। और दूसरी बात यह है कि हम चूँकि हमारे माशरे में हमारे मुल्क में मर्द हमेशा जो हैं वो इस कैरेक्टर इस रिलेशनशिप को डेवलप करने में उतना हिस्सा नहीं डालते, और हर गलती जो कि इस ड्रामे में भी दिखाई गई जिसका हल्का सा शायबा भी हो, गलती हो भी या गलती का शायबा भी हो, तो वो मियाँ से लेकर मियाँ के घर वाले, औरत के घर वाले, बीवी के घर वाले, सब लोग पूरा ख़ानदान उसको औरत के कंधों पर डाल देता है। इस दफ़ा आपने देखा कि वो हुआ जो उनके मीरब और मुर्तसिम के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हुआ, मगर जिस तरह मुर्तसिम के किरदार को हर रिलेशनशिप को मैं बारहा कह चुकी हूँ उस बात को बैलेंस करते दिखाया गया, और उसमें भी उसने किस तरह एक मियां बीवी के बहुत पर्सनल बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप की सैंक्टिटी को प्रोटेक्ट किया और खड़ा हुआ अपनी बीवी के किरदार की गवाही से लेकर कोई भी उनकी प्राइवेसी को इंट्रूड ना करे उसके बारे में। मेरे ख्याल में ये बहुत बहुत अच्छा मैसेज है। हमें अपने माशरे में मुर्तसिम जैसी सोच रखने वाले मर्दों की तादाद ज़्यादा चाहिए जो अपनी बीवियों का के साथ खड़े हो सकें, उनकी गलतियों को सुधार भी सकें और उनकी गलतियों को इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो भी ना करें। लेट्स टेक देम एज ह्यूमन। मगर इसमें जो साथ साथ थोड़ी थोड़ी डंडी है ना, वो डंडी ये है कि जहाँ मुर्तसिम का किरदार बहुत पॉजिटिवली क्यूरेट किया गया है, वहाँ पर मीरब का किरदार एक कंसिस्टेंट बोंगी लड़की का किरदार जो है उस हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया गया है। वो पढ़ी लिखी है, शी इज़ आउटस्पोकन और सारा कुछ है, मगर वक्त पे वो गोंद खा लेती है, शी कैन नॉट डिसाइड, अपने इमोशनल ट्रॉमा को भी वो प्रोसेस नहीं कर पाती, और इसकी वजह ये है कि अभी तक उस किरदार को इमोशनल ट्रॉमा में से गुजारा ही नहीं किया, उसको तड़के के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अभी इमोशनल ट्रॉमा है, अभी इमोशनल ट्रॉमा नहीं है। मुर्तसिम की जहाँ तक एक्टिंग टॉप ऑफ द लाइन है इस ड्रामे में, उसके साथ अगर दूसरी किसी की एक्टिंग टॉप ऑफ द लाइन है तो वह हया की एक्टिंग है। मेरे ख्याल में जितना उसने अपने इस किरदार को ओन किया है, फ्रॉम अपनी चलाकियाँ दिखाने से, बंगियाँ मारने से, इरिटेट फ्रस्ट्रेट मुर्तसिम को रिझाने, मीरब के साथ लड़ाई करने, मरियम से लड़ाई करने, माँ बेगम का लल्लू लगाने, सब चीज़ों में शी उसने अपने किरदार को इतना ओन किया है कि मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स हेट हर। और आई थिंक इससे ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सकती किसी भी एक्टर की किसी किरदार को निभाने में कि लोग उसको असल समझ सकें। मीरब की एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और उनकी अदाकारी अब थोड़ी थोड़ी हमें पैचेस में इन एंड आउट करती नज़र आ रही है। इस ड्रामे में दूसरी बात यह है कि इस ड्रामे में हर बंदे को ना जो वक्त आवे ना या गल करने वाली टाइम होवे उस वेले गोंद खा लेते हैं, चाहे वो मीरब ने रोहेल को जवाब देना हो, मीरब ने माँ को माँ बेगम को बताना हो, मुर्तसिम ने मीरब को बताना हो,
अब मरियम ने किसी और को बता, लाइक किसी को भी, जब आप देखेंगे ना जाके उतना वहाँ पर वो गोद खा के बैठ जाते हैं। फिर इस ड्रामे में ना जो ये विलन और वैम्प का किरदार है ना, वो मुझे लगता है कि वो उन्होंने इसलिए डाला है कि वो, अगर आपने कभी पतंग उड़ाई है ना, तो वो हम पंजाब वाले कहते हैं कि जब गुड्डी उड़ा रहे हो ना तो चप खा जाती है, वो ई टेढ़ी हो जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ना आपको थोड़ी सी इस तरफ भी कुछ बांधना पड़ता है धागा, ताकि उसका बैलेंस रहे। तो हया का विलेन वाला वैम्प वाला जो कैरेक्टर है वो इतना स्ट्रांग और बड़ा था कि उन्होंने कहा कि अब इसको बैलेंस आउट करने के लिए कोई एक विलेन तो होना चाहिए। तो हया मीरब को बैलेंस करने के अगेंस्ट वैम्प, हया हया को बैलेंस करने के लिए रोहेल सा, वो हया बाजी जड़ी ने तवीज़ गंढे तो नहीं मुकरे, ते जनाब रोहेल साहब जो हैं उन्होंने स्टोरी बोर्ड बना के अपना कट्टा बनाता है। वो एकदम 26वें किस्त में आके ना उनका प्यार का अरूज एकदम फट के बम बनकर बाहर आ गया। उस तो पहले हमने किसी जगह पे उनका ये इश्क माशके का सीन नहीं देखा, तो वो इंतहाई मिसफिट है। इसी तरह मुर्सम को बैलेंस करने के लिए जो मलिक जुबैर का कैरेक्टर दिखाया, उनने सिवाय अखां बाढ़ आने टंडन मुंह करके बनानू कोई कैरेक्टर नहीं उसमें, मतलब कोई किरदार नहीं है, उस किरदार का भी कोई किरदार नहीं है, उसकी जगह नहीं है, तो वो बहुत काइंड ऑफ ओपरा किस्म का लग रहा है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के क्या हुआ। तो जी मीरब के अब्बा से शुरू करते हैं। मीरब के अब्बा का दाढ़ी मूछ बदलने का, कभी सफ़ेद काले होने का, माशाल्लाह 25वीं 26वीं किस्त में भी ये जो है ऑन रहा, और वो दाढ़ी मूछ ऐसे ही बदलते रहे। फिर जनाब माँ बेगम, माँ बेगम तो भाई ऐसी बावला उस कैरेक्टर को दिखा दिया है कि प्रेगनेंसी की खबर क्या सुनी, माँ बेगम शी दब मेरी हो गए ने, वो एन जन 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 फिर रहे ने जनाब, हद हो गए भाई, की हो गया, प्रेगनेंसी पहली दफ़ा देखी है आपने, ठीक है अपने बच्चे की औलाद के लिए बड़े आप एक्साइट होते हैं, मगर इतने एक्साइट क्या, हर 2 मिनट बाद रोटी खा ली, आधे घंटे बाद फ्रूट खा ला, आधे घंटे बाद फ्रूट खा ला, आधे घंटे बाद जूस पी ला। मच के ये बड़ा अच्छा मैसेज भी है कि जो खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं उनको हेल्दी डाइट की और फूड की ज़रूरत होती है, और उनके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, मगर इन्ना भी नहीं कि उन्हें नासा जो केले से बाहर आने लग जाए, इधर तक जरा जरा पास कर दो। माँ बेगम का थोड़ा सा मेकअप इम्प्रूव होता नज़र आया, मगर माँ बेगम का कैरेक्टर भी एक इंतहाई अनस्ट्रक्चर्ड कैरेक्टर है इस पूरे ड्रामे में, जो कहीं पर अभी तक उस कैरेक्टर ने अपनी क्या उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस है वो कुछ नहीं बता पाई। वो एक डेकोरेटिव पर्पस है जिसको आपने चूंकि एक किरदार डालना है, और वो आपने मेट्रियाकल घराना दिखाया तो आपने वो दिखाना है। बुशरा अंसारी से बहुत अफसोस रहेगा कि वो इतनी बड़ी अदाकार है, और मेरा एक ये ड्रामा देखने की वजह भी वो थी, मगर वो इसको ओन नहीं कर पाई कि इस कैरेक्टर को वो कोऑप्ट करती है, अडॉप्ट करती है, और फिर वो इसको एक कुछ ज़बरदस्ती चीज़ बना लेती, तो वो नहीं हुई। माँ बेगम की आंखों में अभी तक हया कुकरे डालती रही है, वो कुकरे चल रहे हैं। फिर जनाब मरियम है बहन का किरदार, ये मुझे समझ नहीं आती डायरेक्टर साहब, तानू कोई मुगलई ख़ानदान, कोई मुगलई कुजीन नाल, मुगलई हिस्ट्री नाल कोई इश्क मिश्क है की रौला की है, और नौकरानियाँ भी इंज हथ बन के ना मुगलों की नौकरानियाँ वगर खड़ियाँ होंदिया है। और मरियम को भी देखें, इन 2 किस्तों में एक ही बेचारी को जोड़ा बनाया, वो भी इतने गोल्डन जी वास्कट पुआ के ना, और अद्धा दुपट्टा इतने लाड़ियाँ वगर अद्धा पीछे, तो वो आदाब बचा लाती हूँ बस यही कहना रह गया था। तो उसको भी आपने ना एक मुगलाई नौकरानी के तौर पे बनाया हुआ है, जिसको हया के साथ चिड़बुड़ चिड़बुड़ करने के लिए रखा हुआ है, या वो पीछे खड़ी होके बस जब भी कुछ हो रहा हो तो आंखें बंद आंखें खुली इस तरह के एक्सप्रेशन दे रही होती हैं। हया एज आई सेड मेरा फेवरेट कैरेक्टर इस ड्रामे में, आई टेल यू हया है, क्योंकि उसने मैंने जिसे मैंने पहले कहा कि उसने उस किरदार को इतना ओढ़ लिया है कि आई मीन शी इज़ ऊजिंग आउट ऑफ इट। मगर उससे हया के बहुत अकलमंद चालाक किरदार से भी डायरेक्टर साहब तुसी राज के भौंगियाँ कराइए। मौत वाले घर में उसको माँ बेगम ने मुर्सम के साथ भेजा है, वहाँ पर जनानियाँ अगर रो रही हैं तो कह रही हैं रो क्या रहे हो, इस यहाँ पर सोग पड़ गया। हाँ जी बाजी इतने मौत हुई है तो तुम मौत आए, सोग ही पैना सी। फिर आप कह रहे हैं कि जी मेहंदी का वो वाला कि मेहंदी लाओ, मैं मेहंदी लगाऊंगी
माँ मुंबई जो है वो मेहंदी लेने चली गई, अगले सीन तक, उससे अगले सीन तक, उससे अगले सीन तक वो मेहंदी लगी नहीं। तो माही बड़ी चालाक थी भाईजन, उसने मेहंदी नहीं लगवाई। फिर वो लाल जोड़ा पहन के मीरप का जो लड़ी बनी पूरे घर में फिर रही थी, और वो हमें समझ आई वो बिल्कुल एक इंडियन ड्रामे की तरह था, जिस क्योंकि जिसमें मुर्तसिम पीछे से समझता कि मेरी बीवी है ना, उन्होंने वाल मिलते ना, उन्होंने हाइट मिलती ना, उन्होंने चौड़ाई लंबाई, सिर्फ लाल जोड़ा देख के उनको वो बेवी लग गई। और फिर ये जो जानबूझ के कि किस तरह मैं जाके उसको काबू करूँ, मतलब ये थोड़ा सा जो था ना, आपने गिरावट वाले बहुत से किस्से आप दिखा रहे थे, मगर ये थोड़ा सा आपने ओवर कर दिया कि एक वो अकेली रह रही है एंड शी जस्ट वांट्स टू यू नो, क्या आप चाह रहे थे वो मुर्तसम तब दिनात कोई ज्यादतीकरण कहीं सी होते, ये मुझे समझ नहीं आई। बहरहाल उसके किरदार को अब समझ आ रही है कि जितना उसकी चालाकियों को फैलाया अब वो अपने ही जाल में फंसती चली जा रही है, चाहे वो तवीज़ गंडों वाला हो या मीरप को गिराने वाला। अच्छा फनी बात डायरेक्टर साहब ये है कि वो उसके कमरे के बाहर खड़े होकर फीना के साथ सारी तवीज़ गंडों वाली वो पालसियाँ बनाती है फुल वॉल्यूम में, डांटती भी उसको वहाँ है, पूरे घर च कितने आवाज़ नहीं जाती, कोई सुनाई नहीं देता। लाइक की हो गया ना, इन्नी बड़ी केड़ी तुसा जड़िया 3 एकड़ की ताड़ी हवेली है, उही तुसी 2 कमरे ते 1 पैसेज दिखाते हो, और कैसे हो सकता है ना कि आप अंदर से सुन रहे हैं आपको बाहर आवाज़ नहीं आ रही, या वो सोफे पर बैठ के मीरब को फेरूट काट के दे रही है, वो वाला सेब काट रही है जिसके सेब के अंदर से वो उसकी जड़ भी नहीं निकाल रही, कोर भी नहीं निकाल रही, उसके साथ ही उसको दे रही है अलग खा, क्योंकि माँ बेगम ने क्या कहा, और साथ उसके कान में करी मोटी हो जाओगी पसंद नहीं आएगा, और माँ बेगम नाल बैठे ने उसी सोफे जो 2 फुट दूर, और उनको समझ नहीं आ रही ना, उनको आवाज़ जा रही है, कम ऑन दिस इज़ सो एबनॉर्मल। फिर जनाब मुर्सिम, ओहो भाई मुर्सिम तो को कुछ कहना जो है मुझे लगता है वो अनकरीब जो गुनाह कबीरा में शामिल हो जाएगा, ये सगीरा में तो शामिल हो ही जाएगा, इसलिए कि मुर्सिम जो है वो जिस तरह वो अपनी बीवी के साथ को साथ लेकर चल रहे हैं, बीवी का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, बीइंग नाइस एंड ही इज़ अ रोमांटिक हीरो टू द स्पॉट, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो उनका रोमांस, लड़ाई में भी प्यार, फ्रेंड्स बन जाते हैं, किसी वक्त वो बच्चों की तरह फ्रेंड्स की तरह लड़ते हैं, 1 मिनट में वो एडल्ट बन के रोमांस करते हैं, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुर्सिम साहब ए तुसी हयानू उत्थों क्यों नहीं ठप्पिया थी जो तुसी वेली गए सो, बाद जाके जो उन्होंने क्या बच्चा दे रहा नहीं तो उस वेले तुसी टका के ठप देता था, पीछे ठप देंदे ते अगे भी, यही मेरी वो बात थी कि गोंद खाने वाला। मीरब के कैरेक्टर को बहुत अकलमंद दिखाने के साथ साथ बोंगियाँ दिखाने का मरकज़ बनाया हुआ है, उससे हर वक्त हम कोई ना कोई बोंगी बनवाते हैं, चाहे वो मीरब और फीना के मुकालमे में देख लें, हया के वो हया के बारे में वॉर्न कर रही है, और वो फ़ोन छीनने वाली बात, ले जाए फ़ोन यार वो क्या कर लेगी, आईफोन है वो तेरा फेस लॉक से लॉक है, जब उसको दिखा भी के वो करिए ना ये लो फ़ोन लेना है, तो आप देखें उस पर पासकोड आ रहा है, तो वो तेरा फ़ोन ले भी जाएगी तो तेरा फ़ोन खोल तो नहीं सकती, ले जाए पुट ले जो पुटना की करेगी कि मैं खोल लेगी वो तेरा फ़ोन ना, तो मगर ये समझ नहीं आ रही। सिमिलरली जब रोहेल से आपका भाजी कोई सीन नहीं है तो आप रोहेल की किन बातों से डर रही हैं, क्यों उसको छुपा रही हैं, वो अगर आपका दोस्त है और आप कह भी चुकी हैं तो अब वो जब आपसे इजहार मोहब्बत की इंतहा पे बैठा है तो फिर तुहाडे मुँह च गोंद कहते कि उन्हें कि भाईजान मैंने आपको बताया है ना कि यू कैन बी माई फ्रेंड नथिंग एल्स, तो ये मुझे बात समझ। तो यहाँ पर ना वो जो मीरप का एकदम इंडिपेंडेंट और एकदम ललू ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है ना, इन दरमियान में समझ नहीं आ रही। अच्छा जी ये दूसरा मुझे लगता है डायरेक्टर साहब आपने ना बचपन में वो स्टॉप स्टॉप फ्रीज एक गेम होती थी बच्चों की, वो बहुत खेली, कोई बात हुई सारे उठे स्टॉप उसके पीछे ना, फिर एक म्यूजिक सारे 6 बंदियां की शक्ल दिखानी है पीछे ड ड ते रारा नहीं सी ते ड पाता। फिर जनाब हया के कपड़े ना वो जो पिंड पा के गई थी 2 दिन चलाए ने हो रैम करो साढ़े थे कि वो किस तरह के आने ने, वेयर एज मुर्तसिम जब गांव में होता है और उसको कहता है कि अच्छा जी हया जाओ सो जाओ, तो उसने सफ़ेद शलवार कमीज और वो अपनी चादर ऊपर ली है, जब वो हया बाहर से प्लाट बना के वापस आती है कि मैं हूं उल्लू किस तरह लावा, ते जनाब मुर्तसिम साहब जड़े ने उन्होंने चिट्टी पैंट ते लाल ट्राउजर पा लिया, उन्होंने कहा सो जाओ तू भी सोन लगा सा, तेरा नाइट सूट सी
इसलिए कि आप भूल गए। सिमिलरली जब मीरम बाहर फ़ोन रोहेल का काट रही होती है अपनी माँ की नसीहतें फसीहतें सुनने के बाद, तो चिट्टा दिन होता है, वही फ़ोन पकड़ के अंदर आती है जहाँ पर मुझसे हम कागज़ उड़े होते थे, नेरा पै गया होता है। ए रात दिन भी मिक्स हो रहे ने, ये नहीं समझ आ रही कि यार तुसी की कर रहे हो। उन जी मीरब और मुर्तसब का कमरा जो है ना, वो मामा जी का विड़ा है ना, इसका दरवाज़ा बंद होता है, या किसी को कुंडी ना खड़का सोने, या सीधा अंदर आ, कोई आते हुए नहीं सुनता। माँ बेगम का दिल करे, बहन का दिल करे, नौकरानी का दिल करे, हया का दिल करे, जिसका दिल करे वो सीधा अन्ने वहाँ अंदर आ जाता है। और वो खुद भी दोनों अंदर हो, रोमांस भी चला रहे हो ना, तो उन्हें भूल जाता है कि बुआ अभी बाहर बंद करना है। तो ये जनाब जो है अभी तक हुआ। और फिर आखिरी बात जनाब ये थी कि जब मीरब के पाँव की मालिश का जो है बेड़ा उठाती हैं हया बेगम, और माँ बेगम वहाँ कुर्सी पर बैठ जाती है कि हाँ ठीक है तुम जाके पॉलिश करो, मालिश करो उसकी। और तीसरे सेकंड जो सीन है जहाँ पर मालिश हो रही है, तो वहाँ माँ बेगम अंदर आके बैठी हुई है। जब आप वहाँ चली गई थी तो फिर उठे तुसी की कर रहे सो? तो मैंने लगता है, मगर ड्रामा थोड़ा सा स्पीड से चल रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि शायद ये ख़त्म होने वाला है। सो ऑफ कोर्स हम मिस करेंगे कि रोमांस बहुत मज़ेदार था, वो ख़त्म हो जाएगा, मगर हूँ मेरी रिव्यू कर करके भी बस हो गई है। सो आई एम रियली वेटिंग फॉर इट टू फिनिश। सो टिल देन, खुदा हाफिज़।